यो बैठे गाइस, वेलकम बैक। चला हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट स्मेल्टिंग इंचेंट्स इलीगल, और इससे मैं हकीकत में जितने भी आइटम्स को स्मेल्ट करूंगा वो सच में इलीगल बन जाएंगे। ओके, तो अभी अपन स्पॉन हो गए हैं, और ये सामने यहाँ पे पेड़ हुआ पड़ा है, पर ये हवा में क्यों है भाई? अरे भाई, यहाँ पे एक और मेरे को स्पेसशिप मिल गई एलियंस की, जरूर यही एरिया 51 है। खैर कोई ना, तो सबसे पहले हम एमसी के रूल्स के अकॉर्डिंग अपना पहला और बोरिंग काम कर लेते हैं, जो कि अपना वुड माइनिंग करना। डोंट वरी, मैं तुम्हें बोर नहीं करूंगा, अभी स्किप करता हूँ। एक मिनट, इतने बहुत है। प्लैंक बना लो, और इससे क्राफ्टिंग टेबल और थोड़ी सी स्टिक, ये बन गई वुडन पिकैक्स। स्टोन माइनिंग, इतने बहुत है। स्टोन पिकैक्स, स्टिक, स्टोन एक्स, और अपनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वो है कि अपना फर्नेंस। और रात हो रही है, तो अभी फिलहाल मेरा लड़ने भिड़ने का प्लान नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे अपनी नाइट स्पेंड ऐसी कर ले रहा हूँ बंद होके। गुड नाइट। नेक्स्ट डे, और दिन हो गया, चलो निकलते हैं। हाँ भाई, दिन हो गया है, और अभी यहाँ पे लगा तो मैं अपना फर्नेस। थोड़े से कोल की जरूरत है, मैं अभी स्मेल्टिंग के लिए डायरेक्ट वुड को इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो काम ही नहीं करने वाले हैं। थोड़ा बहुत तो मेरे को ही पता है इसके बारे में, लेकिन मैं फर्नेस वहाँ की छोड़ के जा रहा हूँ। फालतू में लेके ही चलता हूँ अपने रास्ते में, जहाँ भी मिल जाएगा कोल वहीं पका लूंगा सामान। और ये रहा सामने ही कोल, ज्यादा नहीं, मेरे को 10-5 ही चाहिए। डन, ये लग गया फर्नेस, और इसमें लगा दो अपनी स्टोन की एक्स, और अभी इसको इंचेंट करते हैं। डन, अभी ये तुम्हारे सामने ही पक रहा है, जो भी होगा तुम्हारे सामने ही होगा। और ये बूम सिल्क टच, वो भी 1 सेकंड, 1,50,000, 1,000,000, 10,00,000, अपने को 1,000,000 लेवल की सिल्क टच की इंचेंटमेंट मिली है इस पे। पर सिल्क टच मेरे वैसे कुछ खास काम की है नहीं, मैं ही पागल हूँ, मेरे को तो स्वॉर्ड बनानी चाहिए थी ना यार। स्वॉर्ड पे मेरे को मिल सकती है शार्पनेस वगैरह, इस पे तो वैसे भी नहीं देंगे ये लोग, क्योंकि गेम अपनी एक्स को एज अ वेपन कंसीडर नहीं करता है। इसलिए स्टोन स्वॉर्ड बनाओ, और इसमें डाल दो स्टोन स्वॉर्ड, और कोल भी डाल देता हूँ। डैमेज तो इसका उतना कुतना ही रह गया अपना 9 ही, अभी इसको पक जान दो। और ओके, इसमें मिल गई अपने को स्माइट इंचेंटमेंट और एफिशिएंसी। ये अनसेंट इंचेंटमेंट क्यों दे रहे हो भाई? ये स्माइट वगैरह क्या काम की है मेरे? 5 का डैमेज है वो ही बस। इसमें मैं इसको दोबारा पका सकता हूँ? पक रही है भाई। ओ हाँ भाई, दोबारा मैं इसको इंचेंट कर सकता हूँ, दोबारा मेरे को मिली है। फिर से सिल्क टच दे दी इन्होंने, स्कैम सा फील हो रहा है थोड़ा सा। वापिस आ जा भाई। ओके, मेरे को अपनी पिकैक्स के अंदर मिल गई है एफिशिएंसी और अनब्रेकिंग। एफिशिएंसी काम की चीज है, ये देखो, देख रहे हो भाई, 1 सेकंड में दुनिया के ब्लॉक्स को माइन कर सकता हूँ। और ये स्टोन की, और फिर भी इतनी ज्यादा तेज है, और साथ ही इसमें अनब्रेकिंग का भी 1,000,000 है, तो फिर 8-10 साल में टूटेगी, तो इससे मैं जी भर के ब्लॉक्स माइन कर सकता हूँ। चलो मैं सारे ब्लॉक कलेक्ट करता हूँ, एक मिनट देखता हूँ कि आखिर मैंने कितने माइन कर दिए बातों बातों में। एंड लो, मैंने ऑलमोस्ट 3 स्टैक माइन कर दिए, और अभी भी कई सारे ब्लॉक थे उधर उधर पड़े जिन्हें मैं अब उठा भी नहीं रहा। कोल माइन कर लेते हैं, ये काम की चीज़ है। सब कोल आ जाओ भाई। अभी इसमें ये भी दिक्कत है यार, मेरे को अगर एक आध ब्लॉक माइन करना होगा तो मैं नहीं कर सकता हूँ। मैंने स्टोन स्वॉर्ड एक और बनाई है, इसे पकने के लिए डाल लेता हूँ, और तब तक मैं इनसे मार के थोड़ा सा आइटम ले लेता हूँ। खत्म, देखते हैं इसमें कितना मिला है। ओके, इसमें अपने को मिल गई स्माइट इंचेंटमेंट फिर से, और एफिशिएंसी सेम ही मिली है मेरे को इंचेंटमेंट। इसमें स्माइट और एफिशिएंसी, इसमें भी स्माइट और एफिशिएंसी। अगर मैं इससे हो बेटे, ये अच्छी चीज़ है, तो फिर मेरे को आयरन का आइटम इंचेंट करने चाहिए, उसमें मेरे को तगड़े आइटम्स मिल सकते हैं। और वो सामने नहीं, हो तो मेरी करामात है, यहाँ मैं गीले होने से तो बच जाऊंगा, लेकिन यहाँ मॉब भी स्पॉन होंगे, तो उसे छोड़ के मैं सबसे पहले आयरन ढूंढता हूँ, क्योंकि वो अभी अर्जेंट है। कोल भी माइन कर लेता हूँ एंड टू एंड, वैसे भी इनकी जरूरत तो पड़नी है हमेशा। और कोल मिल गए, और ज्यादा कोल मिल गए, उससे भी ज्यादा कोल मिल गए। मैं माइनिंग तो इतनी देर से कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को मिल कुछ नहीं रहा है। जल्दी मिल जाओ भाई। ओ भाई, मिला, आयरन मिला, आयरन बढ़िया है भाई। जितनी आयरन है सब ले लो, मेरे को मिल गई आयरन। कहाँ है? 10 आयरन मिली है। फर्नेस को मैं यहीं पे लगा के पका लेता हूँ, उन्हें भी आयरन डालो और पका लो इसे। तब तक मैं और आसपास देखता हूँ और आयरन मिलेगी क्या। और आयरन मिल जाए तो अच्छी बात है। और लो भैया, और आयरन मिल गई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब मेरे को दोबारा से 10 मिल गई है, बहुत बढ़िया। गिन गिन के दे रहे हैं लोग मेरे को बार बार। और है क्या आयरन? ओए ओए, ये तो एंड माइट मिल निकल गई थे। निकल यहाँ से, वापस भाग जा जहाँ से आई है तू। एक और ये सिल्वर फिश आ गई। अरे मरना भयंकर, डैमेज नहीं खा रही, निपट गई, बढ़िया है। अब मैं इस तरफ जा ही नहीं रहा हूँ, कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पे बार बार अपनी ये गोल्ड फिश स्पॉन हुई जा रही हैं। गोल्ड फिश, सिल्वर फिश, जो भी नाम है इसका, आई डोंट केयर। डन, और इसको हटाओ बस भाई, रुक जा। अभी अपनी क्राफ्टिंग टेबल लगाता हूँ यहाँ पे, पहले जगह बना ली। अब इसमें लगाओ क्राफ्टिंग टेबल, और इसमें आयरन के अपने वेपन्स बनाते हैं। ओके, और इसमें डाल देते हैं इसे मेल्ट होने के लिए। तब तक मैं अपने लिए आयरन की एक स्वॉर्ड और बना ले रहा हूँ। मेरे को बनानी तो एक्स चाहिए थी, पर दिक्कत ये है कि मेरे को उसमें बढ़िया एन्चेंटमेंट। ये क्या हुआ? वो मेरी आयरन बर्बाद कर दी थी इन्होंने, वो ये हो गई। एक मिनट, हाँ भाई, इसमें नॉक बैक और फायर एस्पेक्ट मिल गया है, लेकिन इन्होंने स्वॉर्ड कर दी और पिकैक्स खत्म कर दी मेरी। ये तो दादरबाजी है। चलो छोड़ो, कोई नहीं, मैं और आयरन ढूंढता हूँ, आयरन की कमी थोड़ी है। ये लो, और आयरन मिल गई। आयरन की कमी नहीं है, और मैं माइन करूंगा, अभी और मिल जाएंगे आयरन।
बस खाली दिक्कत सिल्वर फिश और फालतू के मॉब्स और केव्स की है, वो लोग आके बीच में तंग कर देते हैं। ये और आयरन मिल गई है, मैं 2-3 फर्नेस बना ले रहा हूँ। अरे यहाँ पे आयरन मैंने छोड़ी थी, 4 आयरन हो गई है इसमें। फर्नेस बनाओ पहले, इसे लगाओ, इसमें भी आयरन मेल्ट होने के लिए डाल देता हूँ और आधे कोल इसमें से निकाल ले रहा हूँ। इसमें डाल दो थोड़े से और दोबारा से पिकैक्स बना लेता हूँ। और ज़्यादा आयरन माइन हो गई अपनी, अब थोड़ी सी इसमें आयरन निकल गई। भाई बर्बाद मत कर दियो प्लीज़, नगेट क्यों दे रहे हैं यार ये बार बार मेरे को आयरन की? कहीं ऐसे तो नहीं पिकैक्स पे काम ही नहीं करता? ये तो फिर पक्का ही मेरे साथ स्कैम करा इन्होंने। गलत है भाई ये बात, मैं ये वुड डाल के देखूँ, वुड मेरे को करके देंगे कुछ बढ़िया। वैसे स्मेल्ट तो हो रही है, मेरे को मिल गई आयरन की एक्स, इसमें अनब्रेकिंग, सिल्क टच और स्माइट। भाई ये तगड़ी चीज़ मिली है इसमें, इसे पीछे रखो फिर। इसमें केवल सिल्क टच है, इसमें सिल्क टच के साथ साथ स्माइट और अनब्रेकिंग है, ये काम की चीज़ है। और ये हो गई है अपनी वुड की पिकैक्स जिसमें सिल्क टच है, ये मेरे किसी ज़्यादा काम की नहीं है। चलो ये फायदा अपन ने आयरन बना लिए, तो अब मैं बाकी की चीज़ें भी कर सकता हूँ अपनी। मैं एक नॉर्मल आयरन की पिकैक्स और बना ले रहा हूँ डायमंड माइन करने के लिए, क्योंकि वैसी वाली को तो ये बर्बाद कर दे रहे हैं। आ जा तू भी, ठीक है। इसमें स्माइट और एफिशिएंसी है, और ये स्वॉर्ड में एफिशिएंसी का क्या ही काम, इसलिए इस वाली को फेंक दो। और इसके अंदर भी सिल्क टच रखे रहते हैं, कहीं हो सकता काम पड़ जाए। इसमें भी स्माइट एफिशिएंसी है, इसे ही फेंक दो। इसके अंदर नॉकबैक और फायर एस्पेक्ट 2 है, जब पका हुआ खाना चाहिए होगा तब इसे मैं इस्तेमाल कर लूंगा, इसे हाथ में रखते हैं। बाकी तो सब ओके ओके, अभी निकलते हैं यहाँ से दूसरी साइड और मैं डायमंड ढूंढने की कोशिश करता हूँ अब। चलो लेट्स गो, आयरन मिल रही है, आयरन नहीं चाहिए भाई अब, अब मेरे को डायमंड दे दो तुम। देख रहे हो मैं बेडरॉक पे आ गया हूँ बिल्कुल, और अब तक मेरे को डायमंड ही नहीं मिले, बहुत गलत बात है। और लो भाई आयरन मिल गई, लेकिन आयरन मिल गई किसी काम की नहीं, इसे इग्नोर करते हैं। चलो ओ भाई डायमंड डायमंड, बहुत बढ़िया, डायमंड दे दो। क्या मैंने सच में वो कर दिया जो मैं नहीं चाहता था? मैंने स्टोन की पिकैक्स से डायमंड माइन कर लिए, मैं ऐसे उल्टे काम क्यों करता हूँ? कोई नहीं, दोबारा आगे देख। ओ मिल गए मिल गए। ओ शिट शिट भाई, मैं फिर से डायमंड माइन कर दी, मैं क्यों कर रहा हूँ ये बार बार? आ जाओ तुम आ जाओ, एक आध बचा कुचा जो है वही ले ले रहे हैं। कितने हो गए? 4 डायमंड हो गए हैं, 4 में बन जाएगी बात थोड़ी। टेबल को लगाओ और यहाँ पे फर्नेंस, और इसमें मैं बना लेता हूँ डायमंड की पिकैक्स। ओके, और इसमें डाल दो डायमंड की पिकैक्स को मेल्ट होने के लिए, और तब तक मैं और देखता हूँ आसपास और डायमंड मिल जाए तो, क्योंकि मैं बेडरॉक लेवल पे तो चल ही रहा हूँ, तो यहाँ पे तो और डायमंड मिलने चाहिए मेरे को। दिक्कत ये ना कि जब ये ब्लॉक्स माइन होते हैं तो इनके पीछे ये इफेक्ट सा होता है टूटने वाला, उसके बीच में दिखते ही नहीं है। अब तुम मत आओ यहाँ पे प्लीज़, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें मेल्ट हुई, हो गई बात बन गई। और इसमें बिल्कुल फॉर्चून और अनब्रेकिंग, इसका भला मैं क्या ही यूज़ कर सकता हूँ? बस ये है, इससे थोड़ा सा अपना माइन कर लिया करूँगा, और तो किसी काम नहीं आनी मेरे जहाँ तक ये। और अब की बार बिल्कुल आराम से माइनिंग करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं है मेरे को। लो भाई डायमंड मिल गया, और आई थिंक यहाँ पे सिल्वर फिश आने वाली हैं, इसलिए इनके आने से पहले। ओ भाई से फॉर्चून, ओ हाँ मैं से भूल गया था, फॉर्चून बहुत ज़्यादा काम की है। देख रहे हो कितने सारे डायमंड है, ये सब फेंको कचरा। गेट लॉस्ट, यू गेट लॉस्ट, ऑल्सो गेट लॉस्ट। इतने सारे डायमंड मेरे को एक बार में मिल रहे हैं भाई, इस बार तो मज़ा आने वाला है। और ये अपने को सिल्क टच है, इसमें सिल्क टच रखे रहता हूँ, सही फेंक दो, खत्म। भाई मज़ा आ गया इस बार तो, इससे बना लो अपने लिए डायमंड की एक्स और इन्हें फेंक दो। सिल्वर फिश मत आ जाना, मैं तो मारूंगा नहीं तुम्हें। इनके ब्लॉक्स तोड़ो इनकी ऐसी तैसी, ये आएगी बगैर मानी थोड़ी, तो तुझे पका दूँगा। आ जाओ तुम सबरी, आ जाओ ब्लॉक लगाओ, ये लोग समन होते रहेंगे यहाँ पे, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मत वो समन बिना वजह के, फर्नेंस लगाओ यहाँ पे। अरे मैंने अपने एक फर्नेंस नीचे दबा दिया, इसमें डायमंड की एक्स डाल लेता हूँ, थोड़े से कोल डाल लेता हूँ, आधे डालूंगा, ज़्यादा नहीं, आधे इसमें डाल दूंगा। और ये बन गई अपनी इंचेंटेड एक्स, और इसमें बिल्कुल शार्पनेस मिली है, अनब्रेकिंग मिली है, एफिशिएंसी, फॉर्चून। भाई शार्पनेस से तो मैं आराम से चटका दूंगा सबको, अब इसकी जरूरत नहीं, इसे पीछे रखो। ये मेरे को इस बार आपको ज़्यादा इलीगल आइटम्स दिए जा रहे हैं, मैं डायमंड की एक बार पिकैक्स को और रख के देख ले रहा हूँ। मैं होप करता हूँ इसमें दोबारा से कुछ अच्छा दे दे मेरे को, इसमें एफिशिएंसी दे देना तो मज़ा आ जाएगा। क्या मिला इसमें? ना भाई एफिशिएंसी नहीं मिल रही, एफिशिएंसी इसमें तो दे दी ने तगड़ी वाली, इसमें नहीं दे रहे। आ जा तू वापस, और यहाँ पे सबने फर्नेंस और ले ले रहा हूँ, फर्नेंस तो भाई जरूरी है, फर्नेंस नहीं फेंक सकता मैं। चलो मैं ऊपर चलता हूँ सटपट यहाँ से। ओके भाई मैं बाहर आ गया हूँ, और जैसी मेरे को पिकैक्स वगैरह चीज मेरे को सब मिल गई है, इसके अंदर मेरे को शार्पनेस मिल गई है, मैं इसमें एक बार में किसी को भी चटका दूंगा। एग्जाम्पल के लिए मैं पहले एक विलेज में चलता हूँ थोड़ा सा। ओहो सीप मिल गई, मैं तुम्हें डेमो दिखाता हूँ, बूम, देख रहे हो। खैर ये तो एक बार में वैसे ही मर जाते हैं, बाकी मैं तुम्हें कोई तगड़ा मॉब दिखाता हूँ। एक मिनट, मैंने अपनी हेल्थ पे आप ध्यान दिया कि ये घटती जा रही है, और मेरे पे जो भी खाने पीने की चीज थी सब खत्म कर दी मैंने। मैं इतनी देर में आया था वाटर में, मेरे को अभी मुश्किल में मिली एंचेंटमेंट, और ये बूम देख रहे हो। इसको मारने में हमें नॉर्मली 10 से 15 हिट लग जाते थे कभी कभी, और जबकि इस गोलों को मैं एक हिट में चटका दे रहा हूँ। और एक मिनट, इनसे खाना है, खाना ले ले रहा हूँ। तो चलो बस यार मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड कर दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इसमें तुम्हें जो जो दिखाना था वो सामने दिखा दिया, और ये इतने इलीगल आइटम दे रहे कि अब मेरे पे देखे भी नहीं जा रहे। तो बस ठीक है, तुम लोग लाइक से सब्सक्राइब कर लो, एंड रख लो। ओके हैप्पी बर्थडे।